मम्मी पापा किचन में आपका स्वागत है। आज घर में सब्जी नहीं थी तो सोचा कि अपने टेरेस गार्डन में हमने जो सब्जी बो रखी है हरी प्याज, तो चलिए इसको जल्दी से तोड़ते हैं और इसकी आलू के साथ आलू और हरी प्याज की सब्जी बनाएंगे और ऊपर चूल्हे पर ही बनाएंगे। वो हमने आपने पहले वीडियो देखी होगी, उसी चूल्हे पर बनाएंगे। तो चलिए जल्दी से तोड़ते हैं इसको, निकालते हैं इसको प्याज को, देखो कैसी कितनी। जो बड़ी बड़ी प्याज है वो निकाल लेंगे, कुछ छोटी भी है इसमें, ये बड़ी निकाल लेते हैं। और जितनी जरूरत है उतनी आप सब्जी अपनी निकाल लो। ऑर्गेनिक है, इसमें कोई हमने रे स्प्रे वगैरह कुछ भी नहीं किया। एक प्याज और ले लेते हैं, अगर इसी में हम स्प्रे वगैरह कर लेते, रे स्प्रे वगैरह डालते तो इसी का साइज बहुत बड़ा जाना था, उसका टेस्ट ही नहीं आना था। और जो इसका जो प्योर ऑर्गेनिक तरीके से उगाई हुई है तो इसका साइज जरूर छोटा है मगर टेस्ट में बढ़िया आएगी। तो चलिए अब जल्दी से इसको ले चलते हैं धोकर, इसकी आलू और प्याज की सब्जी बनाते हैं। हेलो गाइस, आज हम अपने घर में ही उगाई हुई हरी प्याज और आलू की सब्जी की रेसिपी तैयार करेंगे और जल्दी से आपको वो रेसिपी की शुरुआत करेंगे। मस्टर्ड ऑयल डालेंगे एक बड़ा चम्मच के करीब, हमने जो है मस्टर्ड ऑयल डाल दिया। हमने अपना जो घर का खाना है वो मस्टर्ड ऑयल में बनाते हैं, हम रिफाइंड वगैरह यूज़ नहीं करते। एक बड़ा चम्मच मस्टर्ड ऑयल और इसको गर्म होने पर पूरा सा इसको इसका धुआं निकालने के बाद इसमें जो है प्याज हम डालेंगे। तो मस्टर्ड ऑयल हमारा जो गर्म हो चुका है काफ़ी हद तक, तो सबसे पहले इसमें आधा चम्मच जीरा, पूरा एक चम्मच भरकर लहसुन का जो हमने मोमदस्ते में कूट लिया है, लहसुन पक चुका है, अब इसमें साथ ही अदरक डालते हैं। चूल्हे पर जो खाना बनाना आसान नहीं है, कभी आग बुझ जाती है कभी बढ़ जाती है, तो उसको कंट्रोल में करना पड़ता है। ठीक है, तो एक इंसान जो हमेशा आग पे निगाह रखे। लहसुन अदरक पक चुका है, अब इसमें साथ जो हरी प्याज हमने काटी थी वो डालेंगे और इसको भी अच्छे से भूनेंगे पहले प्याज को। अच्छे से पकाएंगे, इससे प्याज का थोड़ा सा जो कच्चा बन है वो थोड़ा सा निकल जाए। जैसे ही प्याज हमारी थोड़ी सी पकती है इसमें हम आलू डालेंगे साथ ही। प्याज को चलाते रहिए नीचे ना लगे। ये देखिए प्याज हमारी पक चुकी है, अब इसमें साथ ही हम आलू गिरेंगे। आलू भी थोड़े से भुन चुके हैं, इसमें हम मसाले डालेंगे। एक चम्मच लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक, एक डालकर सब मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स करके इसको ढक देंगे और आंच को थोड़ा धीमे पर बनाएंगे इसको। सब्जी हमारी तकरीबन बनने वाली है, सिर्फ 2-3 मिनट में सब्जी बनके रेडी हो जाएगी।
और इसका टेस्ट करके बताएंगे ये सेव टेस्ट कैसा है। अभी इसमें लास्ट में डालने वाला जो है धनिया पाउडर, धनिया लास्ट में डालने वाला, गरम मसाला और इसमें अमचूर पाउडर, तो दो चीज़ें डालेंगी और सब और जो हमारी सब्जी है बिल्कुल बन के तैयार। तो लास्ट में इसमें तकरीबन एक आधी चम्मच के करीब गरम मसाला और एक चौथाई चम्मच जो है अमचूर पाउडर, बस बस। इसमें हम टमाटर नहीं डालते, टमाटर से जो इसका जो करारापन है वो ख़त्म हो जाता है, इसलिए हम इसमें अमचूर डालते हैं। इस तरीके से आप ये जो सब्जी है बनाएं, हरी प्याज और आलू की सब्जी, और टेस्ट करके बताएं हमें, कमेंट्स करके बताएं कि हमें ये आप हमारी ये रेसिपी आपको कैसे लगी। चलिए आप जल्दी से इसको टेस्ट करेंगे और इसका जो टेस्ट आपको बताएंगे। तो ऊपर से धनिया पाउडर डालकर गार्निश करेंगे। ये हमारी रात की रोटी है, देसी तरीके से रात की रोटी से खाकर आप देखना कि ये इसका जो टेस्ट है और भी अलग से आएगा। और आपको इसको टेस्ट करके बताता हूँ कि ये सब्जी है हमारी किस तरीके से कैसी बनी है। बढ़िया। जो चूल्हे का खाना है वो तो इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी बनता है ना, जो गैस में बनता है उससे ये टेस्ट इसका ज़्यादा है। तो आज की जो रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताना, और हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन ज़रूर बजा देना, लगा देना, खड़का देना, ताकि हम आपको जो जब वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन जाता रहे। तो मम्मी पापा किचन को ऐसे ही प्यार देते रहें, धन्यवाद आपका। चूल्हे पर आग तो जली नहीं है, तो साथ में सोचा कि चूल्हे पर रोटी भी बना ले, तो साथ में जल्दी जल्दी देखो कितनी फास्ट फास्ट रोटी बन रही है चूल्हे पर। जो इस रोटी का टेस्ट है वो बिल्कुल ही डिफरेंट, बहुत ही टेस्टी आता है। अब देखो साथ में, मैं तो ये रात की रोटी बची हुई थी, भूख लग रही थी, जल्दी जल्दी ये खा लो। जो इसके साथ रोटी का खाने का जो टेस्ट है, तो वीडियो आपको कैसी लग रही है हमें छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर देना, ताकि हमें और भी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। धन्यवाद।